नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर कोई भी आईपीओ आए तो एक बार उसके ऊपर रिव्यू जरूर करिएगा और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि उस आईपीओ में खरीदारी करना है कि नहीं है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप खुद रिसर्च करके भी काम कर रहे हैं, तो मैं इस कंपनी के जितने डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो कंपनी का नाम जो है वो नोवा एग्री टेक लिमिटेड। तो नोवा एग्री टेक लिमिटेड जो एक नोवा एग्री ग्रुप कंपनी के एक कंपनी है, आप देख सकते हैं। नोवा एग्री जो ग्रुप है मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर जितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसी कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो एक्चुअली बिजनेस है, कंपनी की जो सर्विसेज है वो किसके ऊपर है आप ये देख सकते हैं। जो एग्रो क्लिनिक मैगजीन से यहाँ पे देखने को मिला, उसके साथ नोवा किसान सेवा केंद्र भी है, उसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी के इतनी सारे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। देखिए, कंपनी के जो एग्रोटेक जो प्रोडक्ट्स है मतलब एग्रीकल्चर में जितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मार्केट में बेचते हैं तो उसके एक लंबा सा डिटेल्स आपको मिलेगा, जैसे क्रॉप न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके साथ साथ सॉयल एंड हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके साथ आईपीएम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसके साथ न्यू कुछ टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट भी कंपनी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। बायो जो स्टिमुलेंट है उसके ऊपर भी है, साथ ही साथ बायो फ्रेस्टिसाइड जो है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है उसके एक अंदाजा आपको लग चुका है कि कंपनी एग्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुए हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में इस कंपनी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में और वो हैदराबाद बेसिस कंपनी है, और कंपनी का जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो एक देखा जाए तो एसेट फार्म्स इन ग्रोइंग बेटर क्रॉप कंपनी। तो कंपनी जो बिजनेस कर रहे उसके जो बिजनेस है आप देख सकते, द कंपनी सॉयल हेल्थ के ऊपर, प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रहे। तो मैं पहले ही इसको बोल चुका हूँ। और देखिए, ये जो कंपनी है इस कंपनी बेसिकली जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो प्रोडक्ट के मार्केट में डिमांड तो है मगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी है। तो इस बात को याद रखना होगा, कंपनी के मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस फील्ड का। तो कंपनी देखिए, तो जनवरी 2023 में 31 जनवरी यहाँ पे देखिए नोवा एग्रो बेस 629 प्रोडक्ट रजिस्टर कर चुके हैं और इस कंपनी खुद के, और कंपनी के देखिए, और वो भी किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर, साथ ही साथ बायोपेस्टिसाइड्स के ऊपर और क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर। तो कंपनी टोटल जो प्रोडक्ट है यहाँ पे किस तरीके से लॉन्च किए वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी काम करते हैं। तो 16 स्टेट में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, उनमें से बाहर की कुछ कंट्रीज में भी प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वियतनाम हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में भी कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो कंपनी का 450 क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्ट है, तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर कंपनी काम कर रहा है। तो अभी चलो कंपनी के सिर्फ डिटेल्स देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, बिजनेस क्या है वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे चित्तरघ.com इस साइट के ऊपर। तो इसमें देखिए फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर 2021 से लेकर 2023 तक डेटा है। तो जो डेटा है वो करोड़ों में है, मैं सिर्फ आपको फिगर आउट दिखाऊंगा। तो जैसे देखिए 2021 में 147 करोड़ का एसेट था, उसके बाद 2020 में 160 करोड़ बना, उसके बाद 2023 में 180 करोड़ बना, और रेवेन्यू भी देखिए लगातार लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले, 160, 185, 200। तो रेवेन्यू में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिले, कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट तो हुआ अच्छा खासा, एक ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिला, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वो आज बढ़ के हो चुके 20 करोड़ के आसपास। कंपनी का नेटवर्क भी बढ़ा 29 करोड़ से 63 करोड़, ऑलमोस्ट दुगना हो गया कंपनी का नेटवर्क, और वो भी 3 सालों में। और रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ है। अभी देखिए कंपनी का जो कर्जा है, यहाँ पे भी कर्जा भी धीरे धीरे करके कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उससे देखा जाए तो 4 गुना के आसपास कंपनी का डेप्थ इस बार देखने को मिला। तो कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो कितना कर्जा है चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है,
रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी बहुत शानदार है, कहा जाता है कि 20% के ऊपर हो तो बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे 38% के ऊपर है और ROC भी 27 के आसपास है। देखिए डेप्थ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, हमेशा मैं आपको बार बार बोलता हूँ मैं हमेशा 0.50 कोई भी कंपनी का डेप्थ है 0.50 के नीचे तब मैं उसके ऊपर कंसिडर करता हूँ। फिर भी इस कंपनी डेप्थ को कम कराने के लिए ही इस IPO लेके आया है, तो ऑब्वियसली ये डेप्थ कम होगा, 1% के नीचे आएगा। अभी देखिए कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बहुत कम देखने को मिला। PE रेशियो ठीक ठाक है, एवरेज के आसपास है, चलो वैल्यूएशन तो सस्ते में मिले। अभी इसका जितने सारे पेयर कंपनी है, मतलब बाकी जो इसका कंपटीटर है उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से, चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो डेटा आप देखेंगे तो ध्यान से देखना। जो कंपनीज का डेटा है अभी इसका इस वैल्यू 2 रुपया है और कंपनी का PE रेशियो 12 है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3 है। बाकी सेक्टर में जितने सारे कंपनी है उसके जो आप देखेंगे तो PE रेशियो सबसे कम, अगर किसी का PE रेशियो है वो है आप देखेंगे तो मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका PE रेशियो 9.35 है। और सबसे हाईएस्ट PE रेशियो किसका देखने को मिला आप देखेंगे तो बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड, इसका PE रेशियो 41 के ऊपर है। तो कहने का मतलब है कंपनी का PE रेशियो एकदम वैल्यूएशन के हिसाब से है, सस्ते में देखने को मिले। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर में सबसे जो बेस्ट कंपनी देखने को मिला, यहाँ पे एक कंपनी मिला जो भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका PE रेशियो भी सस्ते है और इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। तो देखा जाए तो कंपिटिटर के हिसाब से सारे कंपनीज के एक ही टाइप हालत है, कुछ कंपनीज का हालत शानदार है, कुछ कंपनीज का हालत मतलब नोवा एग्रो केमिकल्स कंपनी के ऊपर जैसे देखने को मिला उसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा देखने को मिला है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के IPO के डिटेल्स के बारे में। तो 23rd of January मतलब कल के दिन से और 25 तारीख तक इसका लास्ट डेट रहेगा, उस डेट से पहले IPO का आपको ओपनिंग किया जाएगा, उस डेट के अंदर आपको IPO खरीदारी करना होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है फेस वैल्यू 2 रुपये के हिसाब से सिर्फ 40 रुपीज़ के IPO यहाँ पे मार्केट में आ रहा है। तो क्योंकि फेस वैल्यू 2 रुपया है तो इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 1:5 रेशियो का स्प्लिट करके ही मार्केट में लिस्टिंग कर रहे हैं, तो इसका प्राइस बैंड जो होना चाहिए था तो 200 के आसपास होना चाहिए था, तो उसका फेस वैल्यू कम कर किया और उसके बाद 40 में लिस्टिंग किया जा रहा है, तो एक सस्ते प्राइस में लिस्टिंग किया जा रहा है। लॉट साइज देखेंगे तो 365 के आसपास और टोटल जो इशू साइज रहेगा 140 करोड़ के आसपास, उनमें से फ्रेश इशू रहेगा 112 करोड़। तो ये पैसा डायरेक्टली कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट होगा, कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट होगा। तो कंपनी बता रहा है इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है तो उसके ऊपर कंपनी पैसा लगाएंगे और डेप्थ को थोड़ा सा कम करेंगे और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए इस पैसा यूज़ किया जाएगा, तो अच्छी बात है। और 31 करोड़ के आसपास ऑफर फर्स्ट सेल है, मतलब प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो BSE NSE दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। अभी IPO का डेट देख लीजिए, 23rd of January में IPO ओपनिंग होगा और 25th of January में IPO क्लोजिंग होगा और 29th of January में आपको बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको IPO नहीं मिला तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 30 जनवरी में और क्रेडिट हो जाएगा आपका डीमेट अकाउंट में। अगर आपको IPO मिला है तो 30 तारीख को ही आपको क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा 31 जनवरी, इस साल की फर्स्ट मंथ की लास्ट डे में आपको लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लीजिए, एक IPO खरीदारी करने के लिए एक लॉट में आपको 365 शेयर खरीदारी करना होगा, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15,000 के आसपास देना होगा। तो IPO मार्केट में आने के बाद आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 59 के आसपास देखने को मिला है और शेयर होल्डिंग प्री इशू कितना था 84.27, मतलब प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में चर्चा करूंगा। तो फाइनली आज के दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है 20 के आसपास। देखिए लास्ट 19th of January से देखा जाए तो आज तक कंपनी टोटल 20 का IPO मतलब लिस्टिंग गेन देखने को मिला, सॉरी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिला है 50% मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा 50% पॉजिटिव में लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। तो अभी इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि IPO का लास्ट डेट में ही अगर आपको IPO खरीदारी करना है हमेशा लास्ट डेट में, मतलब इसका जो लास्ट डेट है IPO का वो डेट कौन सा दिया, लास्ट डेट दिया गया यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेट देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे IPO का लास्ट डेट है 25th of January। तो इस दिन में
आपको सुबह ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, शाम को 5 बजे से पहले आईपीओ खरीदारी करना है, तो आई ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम ही सब कुछ नहीं होता है, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा लगे, बिजनेस अच्छा लगे तो उसके ऊपर काम करना। अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनीज के ऊपर बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, फिर भी इस कंपनी बुल रन में, मार्केट के बुल रन में आईपीओ लेके आ रहा है, तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। नितिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।